So whenever you are planning to come, make sure to come to this place. हाँ प्रॉमिस किया था ना मैंने. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल गाइस. तो आज मैं निकलने वाला हूँ जैसलमेर के लिए और अभी टाइम हो रहा है 7:55. जैसलमेर का जो डिस्टेंस है जोधपुर से वो अराउंड 280-300 किलोमीटर है. चलिए आज की राइड स्टार्ट करते हैं. ये होती है आज हमारे दिन की शुरुआत. होटल लेना है ना जोधपुर में तो ये स्टेशन के इर्द गिर्द के एरिया में लेना, बिकॉज इधर रात भर आपको ना क्राउड मिलेगा. ये एरिया है ना खाली नहीं रहता है, ये हमेशा दिन रहे रात रहे इधर आपको क्राउड मिलेगा. और शॉप्स भी बहुत आसपास है, खाने से लेके आपको जो भी कन्वीनियंस की चीज़ की सामान है ना वो इधर आसपास मिल जाएंगे ईजीली. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये गाड़ियों को ना मेरे को अलग से ही लगा हुआ भाई, इसका डिजाइन देख के ना मेरे आत्मा को शांति मिल जाती है. ये आर्मी का जो व्हीकल लाइन से जो व्हीकल जा रहा है ना मेरे को पुराने जमाने के ना कारवां की याद आ गई. पुराने जमाने में लोग जो ट्रैवल करते थे ना ग्रुप्स में, ऊंट होते थे, गधे होते थे, उनके ऊपर सामान डालते थे तो उनको उसको कारवां बोला जाता था. उससे इंग्लिश वर्ड आया कैरावैन, जो हम लोग गाड़ी देखते हैं जो गोरे लोग चलाते हैं फुल ऑल कंटेंट जो कैरावैंस होते हैं. तो कारवां जो होता था उससे लोग इसलिए ट्रैवल करते थे बिकॉज रास्ते में कोई डाकू लुटेरे जो होते थे उनसे बचने के लिए कारवां में ट्रैवल करते थे सेफ्टी पर्पस के लिए. और ये मेरे को रिमाइंड करता है इब्न बतूता का. अगर आपको इब्न बतूता के बारे में नहीं मालूम है, द मैन हु इंस्पायर्ड मी, मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन इब्न बतूता जो है वो दुनिया का अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट ट्रैवलर रह चुके हैं. और इब्न बतूता ने पैदल 120,000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने वॉक किया था. हमारे धरती का जो डायामीटर है वो 40,000 किलोमीटर है और उन्होंने 120,000 मतलब धरती के तीन गोल तीन चक्कर. वैसे अभी का अपडेट कुछ ऐसा है कि अभी टाइम हो रहा है 9:12 और मैंने कवर कर लिया लगभग 70 किलोमीटर कवर हो गया. जैसलमेर का जो हाईवे है ना NH 125, इसका रोड का कंडीशन बहुत ही अच्छा है, राइड करने में मज़ा आएगा. तो मैं यूजुअली अराउंड 70-80-90 इसी के स्पीड पे चल रहा हूँ मैं, एकदम कांस्टेंट स्पीड है, एक भी गड्ढा नहीं है रास्ते में. अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मैं जैसलमेर से लगभग 200 किलोमीटर दूर हूँ. तो अभी मेरे पीछे आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं, मैं उधर चाय और बिस्किट के लिए रुका हूँ. ज़्यादा ब्रेकफास्ट में कुछ खाऊंगा नहीं, ऐसे भी भूख लगा नहीं है, तो जस्ट चाय और बिस्किट पी के फिर विल मूव अहेड. ये लोकेशन का नाम है टेचू. जैसलमेर से लगभग 160 किलोमीटर पहले ये गांव पड़ता है टेचू. ये आपको दिख रहा है अभी डेजर्ट लगना चालू हो गया है. अभी आप घूमा ये सो बीच में आपको पेड़ दिख रहा है, ये शायद बारिश की वजह से, क्योंकि 4-5 दिन पहले मेरे को रिपोर्ट मिला था कि इधर अच्छा खासा बारिश हुआ है. तो 3-4 महीना हो चुका है ऑलमोस्ट बारिश को, तो इसके लिए आपको ये बीच में दिख रहा है. ये जो आप देख रहे हो ये पोखरण का मार्केट एरिया है. वैसे पोखरण बाजार आते आते मेरे को बच गए 11:30. जैसे जैसे आप जैसलमेर के नज़दीक पहुंचते जाओगे ना वैसे वैसे आपको एक्चुअल रूरल जो राजस्थान है ना वो आप एक्सपीरियंस करोगे आप. और जैसलमेर जाने के लिए दो रास्ता निकलता है, एक रास्ता जो है वो बाईपास होके निकलता है, सीधा सीधा सब गांव को स्किप करके निकलेगा. और एक रास्ता आप लेफ्ट लोगे तो बाईपास हो जाएगा, सीधा निकल जाओगे तो आप हर एक गाँव पार करते करते जाओगे. तो मैंने सीधा रास्ता ले लिया है. तो यहाँ पर हम लोग क्या है छोटा छोटा गाँव जो भी बीच में गाँव रहेगा बस्ती रहेगा वो घूमते फिरते जाएंगे. पेट्रोल भरने का समय. पेट्रोल इधर कैसा है पेट्रोल? 103 नहीं 110 है. वहाँ कसम मुंबई का बाप है भाई. 1100 का खाना खा लिया इसने. मेन मार्केट एरिया में आपको ये होटल मिलेगा, होटल पायल.
ओयो में मैंने ट्राई किया था, लेकिन ओयो का जो सबसे नज़दीकी होटल था वो 42 किलोमीटर्स के आसपास था, तो मेरे को ये होटल मिल गया। ये गो आईबीबो में है। तो ये जो है ये मेरा रूम है, ये एसी रूम है। तो ये अपना हो गया टॉयलेट बाथरूम। अभी मैं होता हूँ फ्रेश और जाता हूँ फिर लंच करने के लिए। अभी टाइम हो गया 1:30 बजे। तो अभी मैं हो चुका हूँ रेडी, तो अभी हम जाएंगे लंच करने के लिए। लेट्स गो फॉर लंच। अभी मैं आया हूँ लंच करने के लिए। असल में जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के एग्जैक्टली सामने आपको ना बहुत सारे फूड स्टॉल दिखेंगे। होटल का नाम है आशा होटल। तो मैं इधर आया, अभी फ्रेश फ्रेश खाना बना के देंगे। भाई मैंने ऑर्डर किया गट्टे का सब्जी जो यहाँ का लोकल डिश है, और तंदूरी रोटी। सो लेट्स चेक आउट द फूड। खाना बढ़िया है। सो व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू कम, मेक श्योर टू कम टू दिस प्लेस। तो अभी मैं आ गया हूँ मेरा लंच फिनिश करके मेरे होटल रूम में वापस। तो अभी मैं लूंगा थोड़ा ब्रेक, बिकॉज अभी जो है धूप बहुत ज़्यादा है बाहर। तो जैसलमेर का जितना भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो आपका मेन मार्केट एरिया से ना अराउंड 2 किलोमीटर के ही रेडियस पे लोकेटेड। अभी शाम का वेदर एकदम ठंडा हो गया है। दिन में 3 बजे तो ऐसा लग रहा था कि पूरा कमरा हमें जला देगा, इसके बाद रूम पे चले गया। अभी जैसलमेर फोर्ट जो मेरा होटल का लोकेशन से है वो 1.6 किलोमीटर पे लोकेटेड है। तो पहले हम जाएंगे जैसलमेर फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए। शहनाज़ ट्रेजरी कम है। अरे गोरी मेला में झगड़ो कहाँ ये रे को जाऊं सबना आली जा जल दिया जो वो सही ज्यादा बेगाया जो वो जैसलमेर फोर्ट का जो पूरा एरिया है वो शॉप्स और रेसिडेंसीज में कन्वर्ट हो गया है। तो हम लोग अभी ये अराउंड 15-20 मिनट्स का वॉक पे है। तो चलिए जैसलमेर फोर्ट देखते हैं क्या है इधर। अंकल जी इधर तो सिर्फ घर और दुकान है, ऊपर तो पूरे किले में घर और दुकान है। एक डिपार्टमेंट राजस्थान का है और एक डिपार्टमेंट ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों का है? अच्छा, राजपूत और ब्राह्मण। ब्राह्मण दो डिपार्टमेंट रहते हैं। और देखो यहाँ का दरबार है वो पहले यहाँ रहते थे, अभी रहते हैं मंदिर प्लेस कमाए। मंदिर प्लेस आप बाहर जाओगे तो वहीं घोड़ी घोड़ा सब कुछ लेन देन उनका वहीं रहते। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चलिए फिर मुलाकात होगी। क्या ले लो? और इयररिंग में क्या करूँ? चौकर है मम्मा के लिए, सिस्टर के लिए। नहीं नहीं पहनेंगे वो लोग ये सब। अच्छा तो आपके लड़कों के लिए ऐसे ले। क्या है ये? हाथ का ब्रेसलेट। अभी क्या करूं मैं, नहीं सब पहनता। बोला था वापिस सारे। हाँ प्रॉमिस किया था ना मैंने। कितना के देंगे? 200 दो नहीं चाहिए। तेरा ना मार्केटिंग का स्किल्स देख के मैं बोल रहा हूँ मैं खरीद रहा हूँ, नहीं तो नहीं खरीदता था। बहुत तेज है आपकी बेटी। आपकी बेटी है?
हाँ बहुत तेज है। अभी जो लड़की को आपने देखा उसका नाम है आरती और वो सात बहनें हैं और उनके डैड का जो है उनके डैड एक्सपायर हो गया तो ये जो बिजनेस है उनसे उनका घर चलता है। एक्चुअली वो लड़की इंटरेस्टिंग इसलिए लगी ना, वो बच्ची का मार्केटिंग स्किल्स है ना उससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया तो मैंने ले लिया है ब्रेसलेट। मेरे काम का नहीं है एक्चुअली, लेकिन यानी मैंने ब्रेसलेट लिया है, मैंने ट्रैवल स्टूडियो के लिए ब्रेसलेट लिया है तो ये मैं लगाऊंगा ट्रैवल स्टूडियो में। जब जब इस चीज़ को देखूंगा तब तब मैं इस बच्ची को याद करूंगा मैं। अभी अगला लोकेशन जो मैं जाने वाला हूँ वो गढ़सीदार लेक है। गढ़सीदार लेक का जो डिस्टेंस है वो इस लोकेशन से एग्जैक्टली 1 किलोमीटर में हार्डली 5 मिनट लगेगा। सो सी यू एट गढ़सीदार लेक। सिंगल बंदे के लिए भी कुछ होना चाहिए ना मेरे भाई। हाँ मतलब सिंगल बंदा अलाउड ही नहीं है जो ऐसे देखने के लिए, मना नहीं है भैया। बोट का बैलेंस नहीं होता, जो बोट का लेवल होता है ना उसी तरफ बोट आता है। हाँ जी से बैठा होता है जाता है। अच्छा तो अकेला बंदा नहीं चला सकता है। गढ़ीसर लेक में मैं बोटिंग कर नहीं पाया क्योंकि सिंगल पर्सन अलाउ नहीं है बोटिंग के लिए, दो बंदे मिनिमम चाहिए और कोई और बंदा है नहीं सोलो बोटिंग करने के लिए। इसीलिए मेरे को उन्होंने अंदर अलाउ कर दिया और बोला जस्ट आप एक व्यू देख के आ जाओ, बिकॉज अगर अकेला बंदा अगर बोट पे बैठेगा तो बोट बैलेंस होगा नहीं, सो दे नीड एटलीस्ट 2 पीपल। तो वो हो नहीं पाया, मन तो बहुत था वो हो नहीं पाया। अभी शाम के बज रहे 7:30। इधर का जो मेन मार्केट एरिया है यहाँ पे कुछ स्पेशल कुछ है नहीं, बहुत ही ओल्ड फैशन और अंडर डेवलप्ड मार्केट एरिया है। तो आज के वीडियो को करते हैं इधर ही एंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर न्यू वीडियोस। अंटिल देन दिस इज शाहरुख खान साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।